0.9999 ऐसी अगर वैल्यू इनफाइनाइट टाइम्स लिखने को आ जाती है तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वन ले लेते हैं, अप्रॉक्स में नहीं एग्जैक्ट वन। पर क्या ये करेक्ट है? क्या इस 0.999 जो इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, क्या इसकी वैल्यू इक्वल टू एग्जैक्ट जो वैल्यू वन है वो लिख सकते हैं क्या? आज की इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। ये जो स्टार्टिंग में दिया है अपने को 0.999, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ, ठीक है, जैसा हम लोग प्रूफ करते हैं, अगर मैं इसको एक्स वैल्यू डेट कर लूँ और दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो इधर हो जाएगा ये 10x, और यहाँ पर अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डेसिमल इधर शिफ्ट हुआ, सो ये हो जाएगा 9.9999। और जो स्टार्टिंग में ये जो वैल्यू दिया था, इसको अगर मैं इसी के नीचे लिख दूँ, इस x इक्वल टू 0.9999, और दोनों को माइनस कर दिया जाए, 10x माइनस x करने से यहाँ पर ये 9x इक्वल टू, यहाँ पर अगर माइनस करें, सो दिस 9 माइनस 0 9 पॉइंट, और यहाँ पर ये सब 0 हो गया। अब 9 से अगर डिवाइड कर दें तो जो x वैल्यू आएगा वो 1.00 ये आ गया। अब x का जो वैल्यू जिसको 0.999 हम लोगों ने माना था, अभी सॉल्व करने के बाद वो तो एग्जैक्ट 1 आ गया, इट मीन्स 0.999 जो अपने पास था उसको एग्जैक्टली हम लोग 1 मान सकते हैं।